गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव नवीन गोयल ने गुरुवार को ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर 14 मार्केट के सामने से अपने डस्टबिन वितरण अभियान का श्री गणेश किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नवीन गोयल ने इस काम की शुरुआत की। एक एक दुकानदार को डस्टबिन बांटकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह आग्रह किया है कि वे स्वच्छता को लेकर साथ देंगे तो अपने शहर को स्वच्छता में उच्च कोटि का दर्जा हासिल हो सकता है। इस कूड़ेदान की कोई कीमत नहीं, कीमत उस बात की होगी जब सभी दुकानदार खुद अपनी जिम्मेदारी को समझकर कूड़ा डस्टबिन में डालेंगे, तभी इसका सही उपयोग माना जाएगा। जिस तरह से हम अपने घरों में सफाई चाहते हैं करते हैं, उसी तरह हमें अपने प्रतिष्ठानों में उनके आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। इससे पूर्व मीडिया से बातचीत में नवीन गोयल ने कहा कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पर्यावरण के मामले में गुरुग्राम की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हम सही मायने में इसे मिलेनियम सिटी तभी कह पाएंगे जब इसे प्रदूषण रहित कर देंगे। इसके लिए वे सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करके उसकी जगह पर कपड़े व जूट के बने थैलों के उपयोग का प्रचार कर रहे हैं। गंदगी खत्म करने के लिए डस्टबिन व पर्यावरण के लिए थैलों का आवंटन शुरू करेंगे। नवीन का कहना है कि बदलाव के लिए किसी को तो आगे आना होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से छू रहे हैं। हम सबको उनके अभियान में भी साथ देना होगा ताकि अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बना सके। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियानों को न केवल गति देते हैं बल्कि वे खुद जनता के बीच जाकर उसके प्रति जागरूकता फैलाते हैं। वहीं नवीन गोयल ने यह भी बताया कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कपड़े का थैला भेंट किया था जिसकी उन्होंने काफ़ी सराहना की थी। आज की हमने शुरुआत राजीव नगर से की है और राजीव नगर में हम सारे व्यापारी भाइयों से मिले हैं। हमारे गुरुग्राम के 3-4 बाजार मेन बाजार हैं और उसमें से राजीव नगर भी मेन बाजार है। सदर बाजार, खांडसा रोड का बाजार, उसके बाद राजीव नगर की बहुत बड़ी कॉलोनी है। हमारे साथ हमारे प्रधान जी महावीर जी, सोनाराम जी, रोहतास जी, राजीव नगर सब लोग हैं। बहुत ज़्यादा साथ व्यापारी भाइयों ने दिया है और ये कोशिश जैसे कि हमने शुरुआत की पर्यावरण को लेकर के, तो डस्टबिन देकर के एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अपने शहर को हमारा भरा रखने के लिए सबसे पहले गंदगी जो है ना ख़त्म करनी है और ये उसके लिए पहल की गई है। स्वच्छता अभियान को लेकर आप आगे बढ़े हैं, लोगों का कितना साथ मिल रहा है, लोग कितना खुश हैं? सर, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जिस राजीव नगर में मैं खड़ा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2002 में जब आया था तो मैंने यहाँ पर रूम लेकर के मैं रहा था राजीव नगर में, तो मेरा बड़ा लगाव है इस पूरे इलाके से। और राजीव नगर का नहीं, पूरे गुरुग्राम का बहुत ज़्यादा भाइयों का प्यार मिल रहा है। बहुत सारे हमारे को फ़ोन भी आ रहे हैं और डस्टबिन की भी डिमांड जैसे आ रही है तो हम उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर घर तक पहुंचाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा आई थी तो हमने कपड़े का बैग उनको गिफ्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे छोटे कार्यकर्ता की उन्होंने सराहना की और इसको अब एक अभियान बनाने की ज़रूरत है क्योंकि प्लास्टिक 400 साल में जाके गलता है। तो हमारे देश को और हमारे इस प्रदेश को और इस शहर को बचाना है तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसमें हम लगे हुए हैं। मेरी पूरी टीम और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक धनराज खेड़िया जी थे तो रोहित भाई थे, इन्होंने मिलकर के बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाई है। तो मैं मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।